बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, गुड होंगे और बेहतरीन होंगे। और आज की वीडियो जो है वो मैं शूट करने पर आया हूँ, आप लोग को अपडेट करने के लिए आया हूँ साइड स्टेशन पर। आप लोग देख सकते हैं साइड स्टेशन का जो है वो पूरा प्रॉपर वे में बन चुका है और यहाँ पर अभी काम और जारी है और अभी ट्रैक्स वगैरह जो है वो बन रहे हैं और कुछ ट्रैक डल गए हैं, एक साइड के ट्रैक डल गए हैं। जैसे ट्रेन आएगी और जाने वाला भी ट्रैक बनने वाला है, लेकिन अभी आने वाला ट्रैक बिल्कुल मुकम्मल तैयार है। तो मैं आप लोगों को आज पूरा विज़िट कराता हूँ। साइड स्टेशन है ये, साइड एरिया का स्टेशन है और मैंने तो पटरियों के अंदर आ गया था, तो पटरियों से बाहर निकलते हैं और चीज़ें दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर काम चल रहा है और कितना काम हो गया है और कम्प्लीट हुआ है या नहीं हुआ। मैक्स आपको आगे चल के बताऊँगा मैं कि यहाँ पर ट्रेन कब चलेगी, तो खुशखबरी है वो आखिर में बताएंगे आपको। चले आ जाए। अच्छा जी, ये जो है वो ट्रैक को चेक करा जाता है इसके थ्रू और ये इसका सिलेंडर लगा होता है साथ में, और क्योंकि एक चीज़ को अगर प्रेशर देना है तो सिलेंडर लगाना ज़रूरी है। और ये चलता है सीधा, ट्रैक को बताता है कि ट्रैक इन्होंने सही रखा है या नहीं बनाया, तो ये चेकिंग के लिए बनाया जाता है और चेकिंग इससे हो रही होती है। तो भाई अब मैं भी ट्रैक को चेक कर लेता हूँ और ये मुझे ज़रा जा रहे हैं, ये ट्रैक को चेक हो रहा है। ये चेकिंग प्रोसेस है कि इनकी जो ट्रेन जो है वो पटरियों पर सही चलेगी या नहीं चलेगी, पटरियाँ जो है वो चौड़ाई में सही है या फिर नहीं है, तो इसके थ्रू चेक करा जाता है। लेकिन ये अभी तो टांगों से चला रहे हैं, वरना तो VIP तरीके से इसके गैस सिलेंडर से चलता है ये। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, ये जो है मजदूर हैं यहाँ पर काम कर रहे थे, तो मैंने कहा इनसे पूछ लेता हूँ ये प्रॉपर वे में तैयार हो गया या नहीं हुआ, ये मुझे बताओ कि प्रॉपर वे में तैयार। ये 3 महीने में इधर ट्रेन चलेगी। अच्छा, 3 महीने में यहाँ पर ट्रेन चल जाएगी। अच्छा जी, ये जो अभी 14 तारीख को एक तो आएगी इधर। अच्छा, 14 तारीख को ट्रेन आएगी, तो हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये जो अभी ना ये जो यहाँ पर तैयार हो रहा है, ये असल में रोड को गेट बना रहे हैं और ये रोड को रोकने के लिए जब ट्रेन आएगी तो यहाँ पर ये गेट बंद हो जाएंगे और गाड़ियाँ यहाँ पर रुक जाएंगी फॉर सेफ्टी, गाड़ियों की सेफ्टी के लिए, और कोई आ ना जाए ट्रेन के सामने, तो इस वजह से सेफ्टी के लिए ये अभी बन रहा है। तो और आगे देखते हैं और क्या बन रहा है जी। KCR स्टेशन का ये जो है वो ब्रिज है, जो पहले जब ट्रेनें चला करती थी रोड क्रॉस करने के लिए, ट्रेन को क्रॉस करने के लिए, तो इस ब्रिज को यूज़ करा जाता था पहले, लेकिन अब भी ये बना हुआ है तो इसके ऊपर भी ये लोग काम करेंगे इंशाल्लाह ताला थोड़े से टाइम में। लेकिन ये जो है वो बना हुआ है पहले से, इनको कोई काम ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इधर दानियल दिखा सकें तो ये पहले ट्रैक बने हुए हैं, ये देख रहे हैं आप झाड़ियाँ, ये ट्रैक की झाड़ियाँ हैं। मैं आगे और नीचे उतर के फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये जो है वो एक शेड जो जहाँ पर वेटिंग एरिया कहलाता है वो बना हुआ था पहले, लेकिन अब दोबारा से उसको इन्होंने दोबारा बनाया, ऊपर इन्होंने शेड्स वगैरह दोबारा से नए लगाए, पुराने वाले जो हैं वो गिरा दिए। पुराने वाले आपको मैंने दिखाया पहले शॉट में, तो पुराने वाले गिर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। पुराने वाले जो हैं वो गिरा दिए इन्होंने और इसका हाल बहुत बुरा है, क्योंकि ज़मीन बिल्कुल धंस गई है जब गिराया होगा इन्होंने। तो आगे चल के देखते हैं और आगे क्या क्या तजावजात काम हुए हैं, शेड तो हो गए हैं। अच्छा जी, ये जो है आगे पीछे जितनी भी एरिया है, ये जो कवर्ड एरिया है, तो इधर जो है, इधर भी मेरे हाथ पर फैक्ट्री है, कोका कोला की फैक्ट्री है, और इस हाथ पर भी कोई कपड़े की फैक्ट्री, क्योंकि स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ से, और मे भी ये कपड़े की फैक्ट्री है। तो आइए, ट्रैक तो बन रहे हैं
ट्रैक तो बनते रहेंगे, हुकूमत काम करा रही है, लेकिन इधर एक सिक्योरिटी पर्पज़ जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर सिक्योरिटी गार्ड अगर बिठा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ट्रैक्स बन रहे हैं ना, तो किसी और के जो लोग हैं यहाँ के, वो बता रहे हैं कि ट्रैक बनते हैं लेकिन उसके जो नट वगैरह कुछ पटरियाँ वो ले जाते हैं चरसीमा वाली। तो उसके लिए आप हुकूमत से ये है कि आप सिक्योरिटी पर्पज़ जो है ना वो ज़रूर रखें, यहाँ पर सिक्योरिटी भी यहाँ पर बिठाएं, ताकि कोई ऐसा हरकत ना कर सके कि चरसीमा वाली ये ट्रैक्स के जो नट खोल के ले जाते हैं, कभी ट्रैक्स ही उठा के ले जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। बिल्कुल सफाई हुई हुई है, ऐसा लग रहा है कि अभी जो है वो बस ट्रेन आने वाली है, और मुझे दिख रही है आते हुए ट्रेन, वो आ रही है ट्रेन। ये तो मजाक था, ट्रेन आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर साइड एरिया वालों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी जी, मैंने आप लोगों को पूरा दिखा दिया है कि साइड स्टेशन कराची सर्कुलर रेलवे, ठीक है, सर्कुलर रेलवे का मैंने साइड एरिया का आपको दिखा दिया है, विज़िट करा दिया, अपडेशन दे दिए कि यहाँ पर काम हो चुका है, तकरीबन 90% काम हो चुका है, 10% काम रह गया, और इंशाल्लाह ताला ये 10% भी एक आध महीने में हो जाएगा, और यहाँ से ट्रेन चलने शुरू हो जाएगी साइड एरिया पर, ठीक है, वहाँ से कैंट से जो है वो साइड एरिया तक पहुँचेगी ट्रेन। तो अब अगली अपडेशन के लिए इंतज़ार करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करोगे और उसके साथ बेल आइकन है, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना मत भूलिएगा, और बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आप लोगों से चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।